Dear friends, today from Isaiah 63, the Lord has given you a wonderful promise. प्यारे मित्रों, आज यशया 60 के 3 से परमेश्वर ने हमें एक बहुत अच्छी प्रतिज्ञा वचन दी है. Here the Lord says, all nations will come to your light. यहाँ वचन कहता है कि अन्य जातियाँ तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे. Mighty kings will come to see your radiance. और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आ जाएंगे. In verse 10, the Lord says, foreigners will build up your walls. और दसवां पद, परदेशी लोग तेरे शहरपनाह को उठाएंगे फिर से. And their kings will serve you. और उनके राजा तेरी सेवा टहल करेंगे. What a blessing it is. For God to do everything for us. परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करे, ये हमारे लिए कितनी बड़ी अच्छी बात है. When we are filled with the radiance of God, kings will come to see the King of Kings, Jesus who lives in us. जब हम परमेश्वर के प्रताप में होंगे तो राजाए हमारे राजाओं के राजा जो यीशु मसीह जो हम में है उन्हें देखने के लिए आएंगे. So how much we have to cry out to God for God to transform us into his own image. परमेश्वर के स्वरूप में बनने के लिए हमें उन्हें कितनी ज्यादा उनसे विनती करनी चाहिए. We can shine through the life of Jesus. हम यीशु के ज्योति से अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं. Jesus is the light. यीशु ही वो ज्योति है. In verse 2, the Bible और दूसरे वचन में बाइबल ये कहती है, darkness covers the earth. पृथ्वी को तो अंधकार ने घेर लिया है चारों तरफ. Thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon. लोग अंधकार में हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर अपनी उज्जवलता को प्रकाशित करेंगे. So never be discouraged looking at the darkness that is in this world. इसलिए संसार के अंधकार को देखकर कभी भी निराश मत होइए आप लोग. That's what Paul says in Ephesians 5:6. यही तो पौलुस कहता है इफिसियों 5 के 6वें पद पर. Let no one deceive you with empty arguments. और कोई भी तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना देने पाए. And in the next verse also he says, do not participate or even associate with them. और दूसरा वचन ये कहता है कि उनके साथ यहाँ तक कि आप सहभागी भी ना हो. And again in the next verse he says, but walk as children of light. और फिर से दूसरा वचन कहता है कि आप ज्योति के संतान के नाई चलो. Let us not be deceived looking at the darkness in this world. आइए हम संसार के अंधकार को देखकर धोखा न खाने पाए. Let us not even follow the darkness. हमें अंधकार के राह पर नहीं चलना है. Let us be careful not even to follow the ways of darkness. हम अंधकार के पीछे ना भागे और अपनी राह को देखे. Never be bothered about the darknesses that are around you. अपनी चारों ओर के अंधकार को देखकर कभी भी निराश ना होने पाए उन्हें देखकर. Be filled with the light of God. परमेश्वर की ज्योति से आप परिपूर्ण से भर जाए. Jesus says in John 8:12. यूहन्ना के 8 के 12 में ये कहता है, He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं लेकिन अपने जीवन के. Let us only give our hearts to follow the ways of Jesus. आइए हम सिर्फ यीशु के मार्ग पर चलने के लिए अपने हृदय को दे दीजिए. May you be the light to guide the nation. उन्हें पाए कि आप वो ज्योति बन सके जो पूरे राज्य को चलाने पाए. The darkness of this world can never come near you. संसार के अंधकार आपके पास भी ना भटकने पाए. Jesus says, be the light of this world. यीशु ने कहा कि इस संसार की ज्योति बनो. Let God make you light to the nations of the world. परमेश्वर आपको इस संसार के राज्यों की ज्योति में बनाने पाए.
Father, let your light shine upon your people. पिता आपका ज्योति आपके बच्चों पर चमकने पाए. You are the Lord who not only makes your children to be the light of this world. पिता आप अपने बच्चों को इस संसार के ज्योति के रूप में ही सिर्फ नहीं. But then you are the one who makes us to bless the nations of the world. लेकिन आप तो हमें इस संसार के राज्यों को आशीष देने वाले बनाना चाहते हो. Father, whomever is joining me in this prayer, Father, make them as a blessing to the world. इस प्रार्थना में सहभागी लोगों को आप इस संसार की ज्योति के रूप में बना दीजिए पिता. Let kings come to them. उनके पास राजाएं आने पाए. Let the foreigners build their wall. परदेश के लोग उनके शहरपनाह को बनाने पाए. Let such be the light and glory in them must. उनके अंदर की महिमा और प्रकाश इतनी ज्यादा अधिक होने पाए. Father, help them to follow your light. आपके ज्योति के पीछे जाने वाले हो. Help them to know you more. उनकी मदद करे कि वो आपको पूर्ण रूप से जान. To love you more. आपसे प्रेम कर सके वो. To enjoy the blessings that is in you, O God. आपके आशीर्वादों का आनंद लेने पाए वो लोग. Let them speak life from their mouth. अपने मुंह से जीवन के वचनों को वो बोलने पाए परमेश्वर. Lord, let your light not be hidden, O God. परमेश्वर आपकी उज्जवलता को छुपा ना रहने दे. Fill them with such radiance. उनकी चमक इतनी ज्यादा होने पाए परमेश्वर. Let them show your light all around them must. आपकी प्रकाश उनके चारों ओर दिखने पाए हर एक को. Father, let all the darknesses around them leave. परमेश्वर सारे अंधकार उनमें से दूर होने पाए. Let them become torch bearers of Jesus. होने पाए कि वो यीशु का एक मशाल वाहक बन जाए. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Thank you for filling everyone with your light. धन्यवाद कि आपने हर एक को अपने प्रकाश से पूर्ण किया है. In Jesus' name. यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे दोस्तों.